था कि टू बूस्ट आवर डिफेंस एक्सपोर्ट्स फर्स्टली वी मस्ट प्रोड्यूस समथिंग वर्थ वाइल एंड सेकेंडली टू प्रोड्यूस दैट वी नीड वेरी हाई लेवल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. जैसे पैनलिस्ट ने बोला हमारे कि कोई किसी को शेयर नहीं करेगा हाई टेक्नोलॉजी, तो हमारे को करना पड़ेगा वो किसी तरीके से भी. और उसके बाद जब आप प्रोड्यूस करेंगे, अच्छी चीज प्रोड्यूस करेंगे, फिर लोग उसको खरीदेंगे भी. तो फ्रांस का एग्जांपल देता हूं, एक रफाल एयरक्राफ्ट उनके एयरफोर्स में डालने के लिए उनको कम से कम 4 बेचने पड़ते हैं, क्योंकि R&D में कितना खर्चा हुआ. प्लीज अंडरस्टैंड, टू गेट 1 रफाल एयरक्राफ्ट इन देयर एयरफोर्स दे हैव टू सेल एटलीस्ट 4 सो दैट दे मेक अप द मनी स्पेंट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो हमें भी उसी तरीके से सोचना चाहिए. हमारी नीति 50 साल मेरे ख्याल से 60 साल ठीक नहीं थी, अब ठीक है. yes. अब हम सोच रहे हैं कि वी शुड बी ऑल्सो नेट एक्सपोर्टर्स, और आत्मनिर्भरता तभी आएगी जब हम प्रोड्यूस करेंगे. एंड देयरफॉर फॉरेन एक्सचेंज इससे आएगा, हमारा का बचेगा और बेचने से आएगा, और R&D फैसिलिटीज यहाँ बननी शुरू होंगी. हमारा समय समाप्त होता है, चर्चा लंबी है और जारी रहेगी, लेकिन हमारा मंच का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं. बहुत दिल से धन्यवाद जनरल सिंह, जनरल पन्नू जो रेजिमेंटल कॉमराड्स हैं, और एयर मार्शल चोपड़ा, आप हमारे साथ इंडियन न्यूज़ मंच के पहले दौर में बने. एक ज़रा ज़ोरदार तालियां बजा दें. बैक टू द पोडियम. मैं कहना चाहता हूं कि मैं और जनरल पन्नू, हम मराठा लाइट इन्फेंट्री के दोनों अफसर हैं. वो मेरे साथ बड़े करीब थे, मेरे स्टाफ में थे, और वो बहुत आउटस्टैंडिंग अफसर हैं. उनके बारे में बहुत आप जानते ही होंगे. मैं खुश किस्मत था कि एज आर्मी चीफ ये हमारे साथ थे. और हमारी रेजिमेंट का बैटल क्राई जो है आप जानते होंगे, नहीं है तो मैं बताता हूँ, बोल शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. थैंक यू. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ऋषभ जी आपका, और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया. अब मंच को आगे बढ़ाने का वक्त है, और आप जानते हैं कि दो बहुत बड़ी ज़रूरतें हैं किसी भी देश के विकास के लिए, आधुनिकता और सुरक्षा को आगे लेकर चलने की कर रहा है ये नया हिंदुस्तान कर रहा है, और उसी पर हम बात आगे बढ़ाएंगे. क्योंकि आप जानते हैं कि देश की सरहदें अगर सुरक्षित रहेंगी, जिसके लिए सेना लगातार कोशिशें करती रहती हैं, सर्वस्व न्योछावर करती हैं, जब सरहदें सुरक्षित रहेंगी, नागरिक सुरक्षित महसूस करेंगे, तो देश आगे बढ़ेगा. और इसीलिए हमारा अगला सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के आगे बढ़ने के लिए विकास बहुत ज़रूरी है. एक नए दौर में भारत प्रवेश कर चुका है, और इसीलिए नया भारत आखिर कैसा होगा, और यहाँ पर सरकार कैसे काम करेगी, विकास के काम कैसे होंगे, इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला सेशन है. जी हाँ, बिल्कुल. जैसे हमने आपको पहले कहा था कि आज एक बेहद खास दिन है, आज विजय दिवस का अवसर है. इस वजह से हमने अपना जो मंच है उसका शुभारम्भ किया था एक खास सेशन के ज़रिए, कितने रण में हिंदुस्तान, इस जरिए हमने श्रद्धांजलि दी थी जनरल बिपिन रावत को. हमने अपने हिंदुस्तान के जाबाज जवानों की शहादत को श्रद्धांजलि दी थी, और अब वक्त आ चुका है कि हम कुछ राजनीतिक मसलों पे भी चर्चा करें. जी हाँ, हमारे जो अगले मेहमान हैं वो सरकार में मंत्री हैं. वी हैव विद अस राजीव चंद्रशेखर जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, न्यूज़एक्स चैनल की सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रिया सहगल जी. प्रिया, आई रिक्वेस्ट यू ऑल्सो टू प्लीज कम ऑन स्टेज. जैसे शुभ्रा ने कहा, ये सेशन का जो विषय है वो है नई सदी नया भारत, क्योंकि राजीव जी के पास कुछ ऐसे पोर्टफोलियोज हैं जो शायद नया भारत की श्रृंखला को आगे बढ़ाने में बड़ा उनका योगदान है. तो उनसे हम चर्चा करेंगे कि उनका मंत्रालय, ये जो NDA सरकार, क्या क्या नए जो हैं पहलू इस अगले 2022 के. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन. प्रिया, द स्टेज इज योर्स. मैं मंच आपके हवाले हैंड ओवर करता हूँ. थैंक यू वेरी मच उदय, एंड आई लाइक टू वेलकम राजीव हियर. थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट, ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज वर्सिटैलिटी इन हिंदी. सो राजीव, वी विल गो बायलिंगुअल ऑन दिस.
आपका स्वागत है. एंड जैसे कि उदय ने बताया कि वी आर टॉकिंग अबाउट नया भारत द न्यू एज अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, बट वी ऑल्सो कम अप फ्रॉम कोविड के टाइम से आए हैं. और आपको जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसमें काफ़ी गंभीर रोल प्ले करना पड़ेगा, बिकॉज द बिगेस्ट फॉल आउट ऑफ कोविड इज अनएम्प्लॉयमेंट. And you really have a license to skill, as they say. So what are the plans? Because a lot of people who are out of a job are the young. You know, there was a survey also has come out that older people still retain their jobs, but the younger ones have not been able to find new jobs. So uske liye kuch aapke plans hai, kya karenge mantra? तो पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि मैं आपने मुझे यहाँ पे invite किया. मेरे हिंदी के बारे में किसी ने कोई compliment दिया नहीं है. मेरे हिंदी के प्रयास के लिए कॉम्प्लीमेंट मिला था. तो आई विल मिक्स इट अप विद हिंदी एंड इंग्लिश. आई डोंट क्लेम टू बी अ वेरी प्रोफिशिएंट इन हिंदी, लेकिन केंद्रीय विद्यालय का हिंदी है तो मैं ट्राई तो करूँगा ही. एक तो आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई कि द यूजुअल नरेटिव इज दैट आई टुक सम टाइम ऑफ फ्रॉम माई बिजी स्केड्यूल टू कम टू अ प्रोग्राम. And the fact is that the opposition continues to disrupt parliament, so it is not like I have a very busy schedule. It is a choice between sitting in the central hall and having coffee and waiting for the next disruption. This is a welcome break for me. So thank you for inviting me. आप जो कह रहे हैं अबाउट कोविड एंड उसका मैं एक कॉन्टेक्स्ट सेटअप करूँ एंड देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन. ये जो पिछले 19 महीने में जो दुनिया ने देखा है भुगता है हैज़ बीन वन ऑफ द वर्स्ट मोस्ट डिसरप्टिव क्राइसिस दैट मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ एवर फेस्ड. और उसका ये नतीजा है या उसका ये इम्पैक्ट हुआ है कि जो प्री कोविड के लाइव्स और लाइवलीहुड्स के मॉडल्स थे उसमें बहुत ही एक गहरा बहुत डीप डिसरप्शन हुआ है. तो पोस्ट कोविड के बाद एक इस नए रियलिटी में अगर हम देखें तो जो एम्प्लॉयबिलिटी के स्किल्स रिक्वायरमेंट्स हैं, एम्प्लॉयबिलिटी के क्राइटेरियन हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें काफ़ी एक बदलाव आ गया है. तो स्किलिंग का ये रोल है कि जो हम हमारे एम्प्लॉयबल वर्कफोर्स थे बिफोर कोविड, उनको कैसे रेलेवेंट बनाएं, उनको कैसे रीस्किल करें, उनको कैसे डिजिटल स्किल्स दें ताकि उनके लाइवलीहुड्स में कोई परमानेंट डिसरप्शन ना आए. और जो नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं वो इस रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के माध्यम से वो वर्कफोर्स में कंटिन्यू इन्वॉल्वमेंट रहे. तो जुलाई 15 को प्रधानमंत्री ने हमें एक निर्देश दिया था कि पोस्ट कोविड के टाइम में हम एक रीइमेजिन रीडिज़ाइन करें स्किल इंडिया के इनिशिएटिव्स को. और उनका कहना ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल लर्निंग, डिजिटल स्किल्स लेके आए और हम उस तरफ काम कर रहे हैं. ऑल्सो राजीव, आपका थोड़ा बैकग्राउंड मैं देना चाहती हूँ. आई एम श्योर पीपल नो, बट आपका कंप्यूटर साइंस में आपने मास्टर्स भी किया है. तो एक तरफ से यू आर अ टेक्नोक्रैट इन द मोदी गवर्नमेंट एंड आई थिंक यू लैंडेड एट द राइट प्लेस इन द राइट मिनिस्ट्री ऑल्सो. वी फाइनली हैव अ पर्सन हु नोज वॉट द नुएंसेस ऑफ द मिनिस्ट्री. इनफैक्ट अगर राजीव जी के ऑफिस में जाएँ तो देर इज़ अ चिप, ही इज़ पुट अप टू चिप्स दैट ही हैज़ ऑल्सो डिजाइंड हिमसेल्फ. ही इज़ बिन चिप डिजाइनर. सो लिटिल बिट राजीव अबाउट योर बैकग्राउंड, हाउ यू नो फ्रॉम द पॉलिटिक्स, फ्रॉम कंप्यूटर साइंस टू बीजेपी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई बिकॉज इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी कि मैं टेक्नोक्रैट का तो टाइटल मैं डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने 15 साल पॉलिटिक्स में रगड़े हैं, मैंने काम किया है और मैं मानता हूँ कि वो 15 साल का जो पब्लिक सर्विस का रिकॉर्ड इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड लाइक डिसमिस बिकॉज of a title called technocrat. I have worked, not take that shortcut in your biography. Yeah, 15 so years of public service, yes, and then the BJP. And I think that my record of public service is a reasonably decent one, and even media critics would give me reasonably pass grades on that. So number one, number two, look, yes, it is true that I've spent over 35 saal se main technology के मीन्स टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हूँ. मैं इंजीनियर था, मैं सिलिकन वैली में एक सीपीयू आर्किटेक्ट था, डिज़ाइन इंजीनियर था इंटेल में. मैंने दो चिप्स के डिज़ाइन में मेरे आई वाज इन्वॉल्व इन दोज टीम्स. उसके बाद यहाँ पे इंडिया में आया और मैंने इंडिया के वन ऑफ द फर्स्ट मोबाइल
कंपनीज में एज ए टेक्नोलॉजिस्ट एज एन एंटरप्रेन्योर आई बिल्ट इट. तो नॉट डिनाई कि मेरे खून में या मेरे डीएनए में टेक्नोलॉजी इज वेरी एम्बेडेड इन इट. बट द 15 इयर्स ऑफ लाइफ इन पॉलिटिक्स हैज ऑल्सो टॉट मी वेयर टेक्नोलॉजी कैन हेल्प एंड वेयर टेक्नोलॉजी कैन रियली हेल्प इन गवर्नेंस इन इम्प्रूविंग द यू नो द कॉज ऑफ एन नॉर्मल सिटीजन. और 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने डिजिटल इंडिया का लॉन्च किया था, पहली बार पॉलिटिक्स में एक नैरेटिव बना कि टेक्नोलॉजी से कैसे लोगों के लाइफ में सुधार लाएं, सरकार के काबिलियत सरकार के जो परफॉर्मेंस में कैसे इम्प्रूवमेंट लाएं. और जो आपको तो याद ही है कि 4 से 14 तक जो हमारा एक नैरेटिव बना था डेमोक्रेसी का, दैट डेमोक्रेसी इज़ ऑलवेज डिसफंक्शनल, हैज़ टू बी करप्ट, सब्सिडीज़ विल ऑलवेज बी लीकी, एंड इन द फेमस वर्ड्स ऑफ द लेट राजीव गांधी दैट एवरी 100 rupees दैट इज सेंड फ्रॉम दिल्ली ओनली 15 rupees रीचेज द बेनिफिशरी. ऑल ऑफ दैट वॉज द कन्वेंशनल नरेटिव अबाउट डेमोक्रेसीज इन जनरल एंड इंडिया इन पर्टिकुलर. एंड फ्रॉम 2014 टेक्नोलॉजी वॉज डिप्लॉयड to turn that narrative around and in a sense nix that narrative. Aur aaj ke din mein jo 100 rupees nikalte hain Delhi se beneficiary ki aur, that 100 rupees reaches the beneficiary as we saw during COVID. So I am the journey of my journey as a technologist, as a technology entrepreneur into politics, I do not consider that in any way contradictory. I think this is a natural progression for me I've always believed that technology can do good, and to be in a government that has given me the opportunity where technology can do good is in my opinion one more great but opportunity. Technology is apolitical, so why the BJP and not the Congress? No, I think that is one of the biggest myths, that a person is apolitical. Every citizen of India is exposed to politics. Democracy in India is a very political phenomenon. People make choices once in every 5 years, whether they are voting for the central government or the state government or the local body elections. So, I don't think there is such a thing as apolitical citizen. There's such a thing as silencing the minister, is it? Yeah, that may be part of what the media wants to do. But let me speak on anyway. But my point was that this apolitical is not, in my opinion, a recognizable characteristic or is a laudable characteristic in a democracy like ours. I think everybody has to be political, has to have views on who they want to have as their public representatives. It is okay to be neutral because you don't consider the choices that are available in the political domain acceptable to you. But to be apolitical, I think, is not the right way to describe an Indian citizen, or indeed me for sure. Definitely very right, and very BJP is how I'll describe you. But moving on to the road to recovery from COVID, how do you see, especially as you discussed earlier, employment is one of the big ticket issues. Economy is not, there are different views. I'm sure you have your own view, but definitely a lot needs to be done on the economy. Let's agree on that. No, look, Priya, I respond to this question with facts and data, and I think for those who do not recognize the last 19 months and the journey that India has traveled and where we are today, you are either being you're just being deliberately loose and fast and furious with the facts, or you're just wanting to ignore the reality. And I like to respond to this with the famous quote in July 2020 by the architect of the 2008 financial crisis and 6 years of economic implosion in India, the great Shri P.C. Chidambaram. Why did I know? And in July 2020, he said, and I quote, "When will the BJP government acknowledge the gravity of the deepening economic crisis?" By the way, this is in the first quarter after the pandemic. "When will Prime Minister Narendra Modi acknowledge the failure of his economic managers?" This is the quote in July 2020. And we are today in December 2021. We are the fastest growing economy in the world. We have delivered 1.4 billion vaccinations. We have received
that Mr. Chidambaram had problems with in July 2020. He's creating unicorns at the rate of 2 a month. Yeah, and as I said, it is the fastest growing economy in the world, as recognized by the IMF and the World Bank. I, with great humility and with all responsibility, say today that the decisions taken during COVID pandemic that has left many countries in the world, including the largest countries, grappling with high inflation, social disorder, high unemployment, low investment, low economic growth, has left India in a position of tremendous momentum, and most importantly, going forward, looking into the future, as the supply chains around the world change and people look to more trusted value chains, global value chains, leaves India with a tremendous opportunity for continuing growth and continuing to build on this momentum that we are seeing today. We are the single largest economic growing country in the world today, and we are the only country today that is growing close to double digit growth. And this is something that I like repeating to Shri Chidambaram, because it is the height of irony that a man who presided over the global financial crisis in 2008 and left the economy in shambles for 6 years today stands up and even, you know, stands up with the courage or the moral authority to comment on this kind of economic performance. So I say, look at the facts, look at the reality. Does this mean that there are no challenges going forward? Absolutely not. The COVID pandemic has left scars on the economy. Are those scars permanent? Probably not. Some may be. Those need, like I said, reskilling and upskilling and transformation. But the reality today is that we are the fastest growing economy in the world, receiving the largest foreign direct investment amongst all nations of the world. Okay, but Rajiv, kaun se sectors hain jis pe focus hoga, jo hamari economy ka jo kehte hain new age sectors hain, usme aapke mantralay mein bhi kaafi honge? ऐसा है कि मैं नहीं मानता हूँ कि इसमें न्यू एज सेक्टर्स ही हैं. एक तो सही है कि कोविड के बाद डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ और डिजिटल एडॉप्शन में काफ़ी ज़्यादा एक एक्सेलरेटेड पेस हो गया है दुनिया भर. तो जो डिजिटाइजेशन का जो एक माहौल बन गया है दुनिया भर, उसको उससे इंडिया के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडियन टेक कंपनीज, इंडियन टेक स्टार्टअप्स ही उस डिजिटाइजेशन में पार्टनर होंगे. तो आप देख ही रहे हैं कि अप्रैल से आज तक आईटी सेक्टर में 8 लाख नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं. आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 8 लाख नए जॉब्स इंडिया में, क्योंकि इंडिया और इंडियन कंपनीज बन रहे हैं पार्टनर्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बिजनेसेस, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स गवर्नमेंट्स एंड कंज्यूमर्स इन डिप्लॉइंग एंड प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस. तो ये तो हुआ टेक्नोलॉजी सेक्टर का. मैं मानता हूँ हमारे इकॉनमी के दूसरे ड्राइवर्स भी हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में काफ़ी बड़ा एक स्पीड भी आ गया है और इंक्रीज भी आ गया है. और मैं मानता हूँ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि जो दुनिया के देश हैं पोस्ट कोविड, दे आर लुकिंग फॉर ट्रस्ट इन देयर वैल्यू चेन्स. और इंडिया के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि जो चाइना से निकलने वाले कंपनीज हैं वो इंडिया में आके बसे, इंडिया में इन्वेस्ट करें, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करें. तो ये कोई सिंगल डायमेंशनल ग्रोथ मॉडल नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर करें. टेक्नोलॉजी भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग भी होगा, कंस्ट्रक्शन भी होगा, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी. ये बहुत सही है कि हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर्स जो ट्रैवल डिपेंडेंट हैं, उनमें एक स्लोडाउन आ गया है. ये एक ग्लोबल फिनोमेनन है. और मैं मानता हूं जैसे हमारे वैक्सीनेशन रेट्स बढ़ेंगे, जैसे हमारे पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन 80-90% तक डबल डोज होगा, मैं मानता हूं कि हॉस्पिटैलिटी और जो सर्विसेज सेक्टर जो इंपैक्ट हुए हैं उनमें भी एक रेजिलियंस और ग्रोथ आएगा. लेकिन राजी, हमारी वैक्सीनेशन का ग्रोथ आपने कहा था हमने 140 करोड़ किया है, लेकिन आधी पॉपुलेशन से थोड़ी ज़्यादा ही वैक्सीनेट हुई है. इंडिया की आबादी भी बहुत है. हाल में हमने सेरम इंस्टीट्यूट के मिस्टर पूनावाला का इंटरव्यू देखा था कि गवर्नमेंट ने अपना ऑर्डर देना बंद कर दिया है, तो मैं भी अपनी प्रोडक्शन आधी कर दूंगा. तो ये दोनों थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्शन इन टर्म्स नहीं है? नहीं, कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है. आप January 21 में आप नहीं, लेकिन काफ़ी यहाँ पे दिल्ली में लोग कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, 1 बिलियन दिसंबर तक कैसे होगा. तो थोड़ा ये भी कहा गया था कि बिल्कुल कोविड से हम जीत गए हैं. नो, आई रिस्पॉन्ड टू दिस लाइक दिस. देर इज नथिंग रॉन्ग एंड देर इज अ फंडामेंटल राइट फॉर एवरीबडी टू बी सिनिकल.
and I think there is an overdose of that cynicism in Delhi, and that's fine. Everybody has a right to be cynical. But our government under Prime Minister Narendra Modi ji will defy that cynicism by actual accomplishment. जैसे जनवरी में जब उन्होंने अनाउंस किया था कि हम 1 बिलियन वैक्सीनेशन शॉट्स देंगे दिसंबर तक, यहाँ पे पहुँच गए थे लोग, नहीं 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 ये हमें गिनी पिग बना रहे हैं, ये वैक्सीनेशन बीजेपी का वैक्सीन है, हम नहीं लेंगे लेंगे, ये सब तो ड्रामा हुआ था, सिनिसिज्म हुआ था। अक्टूबर 2021 में हमने दिखा दिया, सरकार ने दिखा दिया कि 1 बिलियन शॉट्स हम वी हैव गिवन अहेड ऑफ स्केड्यूल। अक्टूबर के पहले अप्रैल भी तो आया था। नहीं नहीं, सेकेंड वेव आएगा। अभी वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ द डेस्टिनी वीज़ावी द कोविड। कोविड का पैंडेमिक ओमिक्रॉन वेरिएंट या कोई और वेरिएंट होगा नहीं होगा, ये तो हम कंट्रोल नहीं करते हैं। उस नरेटिव को कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए। इफ इट इज कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर एंड वी आर नॉट क्लोजिंग आवर बॉर्डर्स, वी विल हैव द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट दिस is to vaccinate our population. The best defense for our economy is to ensure that our economy remains resilient, kyunki hamare jo economic participants hain unko vaccination mil gaya hai. Aur aapka jo kehna hai ki aadha hi population ko double shot mila hai, main aapko respectfully bata dun, the path to a second shot is the first shot. पहले फर्स्ट शॉट करें तभी तो सेकंड शॉट पहुंचेगा। पर जो प्रोडक्शन को क्यों रोक दिया, ऑर्डर्स नहीं, यही मिस्टेक अप्रैल में हुई थी राजीव, कोई प्रोडक्शन उसी समय आप वैक्सीनेशन शॉर्टेज हुई थी बिकॉज वी डिड नॉट एंटिसिपेट। वही हो रहा है, हम दिसंबर में आ रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम जीत गए हैं, फिर प्रॉब्लम आएगी बिकॉज ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस भी है। प्रिया जी, ये एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल सरकार है। प्रोडक्शन टारगेट्स एंड बाइंग टारगेट्स आर लिंक्ड टू व्हाट द स्टॉक्स एंड इन्वेंट्रीज आर। ये वैक्सीन है, वैक्सीन को हम वैक्सीन के इन्वेंट्री को हम बाहर सड़क पे तो रख नहीं सकते। सो दीज आर ऑल प्रोडक्शन टारगेट्स एंड प्रोडक्शन कैपेसिटीज एंड प्रोडक्शन एंड बाइंग रिक्वायरमेंट्स आर डिक्टेटेड बाय कितने हमारे पाइपलाइन में हैं, कितने हमारे स्टॉक में हैं, उसके हिसाब से हेल्थ मिनिस्ट्री देगा इंडेंट्स। इसमें हम